बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन जहांगीर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना शॉपिंग व्लॉग। जी हाँ, मैं आपको जो है वो बताऊँगी और दिखाऊँगी कि आजकल जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो फैशन में इन है, और आप जो है वो अगर शॉपिंग करने का इरादा रखते हैं, अगर आपके अनस्टिच सूट हैं और टेलर जो है वो सी नहीं रहे हैं, तो आप जो स्टिच सूट भी जो है वो ले सकते हैं। इसमें कोई इतना जो है वो मसला नहीं है। तो ये मैं आपको मारिया बी का दिखा रही हूँ कि इनके पास जो है बहुत ही ज़बरदस्त कलेक्शन आया हुआ था। इनमें पार्टी वेयर है, इनके फॉर्मल ड्रेसेस हैं और इनका अनस्टिच कलेक्शन सब मुझे जो है बहुत ही अच्छा लगा। और इनका तो वैसे ही जो है नाम भी है, आपको पता है कितना अच्छा ब्रांड भी है, और इनकी क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितने माशाल्लाह से अच्छे अच्छे इनके पास प्रिंट हैं, इनके पास साड़ियाँ भी हैं, इनके पास जो है ब्राइडल ड्रेसेस भी हैं, इनके पार्टी वेयर्स भी हैं, और मुझे तो बहुत कलेक्शन इनका पसंद आया। अच्छा, मेरा तो ये है कि मुझे याद नहीं है कि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने जो है वो टेलर से जो है स्टिच नहीं कराया, क्योंकि मैं अमूमन जो है वो रेडीमेड सूट ही लेती हूँ, और वैसे भी जो है वो इतना फिटिंग का जो है जो पहनते हैं तो वही जो है स्टिच भी करवाते हैं, उनको अपना आइडिया होता है। मैं इतनी ज़्यादा जो है फ़िटिंग वगैरह जो है वो पसंद नहीं करती हूँ। और हर चीज़ का एक फ़ैशन होता है जो हर ज़माने से चला आ रहा था, जो हमारे बचपन में फ़ैशन था वो अब जो है दोबारा आ गया है। जिस तरह एक 10 साल के अंदर जो है वो हर चीज़ जो है वो रिवर्स हो रही होती है, मेरा तो यही ख्याल है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है वो रमज़ान से पहले भी शॉपिंग कर लेते हैं, जो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा खासा जो कलेक्शन होता है ना, जो न्यू अराइवल होता है, वो मिट के बाद ही जो है वो रमज़ान के जो है वो शॉपिंग सेंटर्स में आता है, यानी मॉल्स में, यानी आपके जो जहाँ से आप लोग शॉपिंग करते हैं। लेकिन जो है रमज़ान जो है वैसे भी हमारे इबादत का जो है वो महीना होता है कि हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में जो है वो इबादत कर सकें, तो सबकी तो कोशिश यही होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है वो चक्कर फिल्म है हमारी जो है वो पाकिस्तानी मूवी, तो उनकी जो है कास्ट भी आई हुई थी अपनी जो है प्रमोशन के लिए, जिसमें निदा यासिर हैं, यासिर नवाज़ हैं, नीलम मुनीर है, तो उन लोगों को भी देखने के लिए अच्छे खासे लोग हो गए थे जमा, जो शॉपिंग भी नहीं करने आए हुए थे लेकिन जो है वो जमा हुए हुए थे। तो मैं यहीं पर जो है वो यहाँ पर ज्वेलरी भी देख रही थी, तो यहाँ के जो शॉपकीपर हैं वो मुझसे कहने लगे कि भाई यहाँ पर तो इतने स्टार आए हैं, आप उनकी जो है वीडियो नहीं बना रही हैं, आप जो है यहाँ बना रही हैं। तो मैंने कहा ज़रूरी नहीं है, उनके तो बनाने वाले बहुत हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे अच्छे जो है वो सारी आपको यहाँ पर जो स्लीपर्स नज़र आ रही होंगी, सैंडल्स नज़र आ रही होंगी, हैंडबैग नज़र आ रहे होंगे। ये है बुरजान का आउटलेट, और इनके पास भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का जो है मटेरियल होता है, सारी जो इनकी वैरायटी है बहुत ही ज़बरदस्त है। तो इसके बाद जो है वो मैं आ गई हूँ स्टाइलों के, और स्टाइलों में आप लोग जैसे कि जानते हैं कि इनके हैंडबैग्स हो गए, इनके पर्सेस, इनके भी क्लचेस, इनके स्लीपर्स, इनके सैंडल्स, सब चीज़ें जो है नंबर वन है।
वैसे ज़्यादातर जो है ना यही होता है कि हैंडबैग्स हो गए और आपके जो है वो स्लीपर्स हो गए, सैंडल वगैरह, इसकी शॉपिंग होती है सबसे आखिर में, क्योंकि पहले आपकी जो है टेंशन जो होती है, सर दर्द यही होता है कि आपने जो ईद का जो है सूट है वो आपका पहले कंप्लीट हो जाए, टेलर के पास है तो वो भी आ जाए, और अगर रेडीमेड आपने लेना है तो आप वो भी ले लें, तो और उसके साथ जो है वो उसकी आप बाकी की जो है मैचिंग कर सकें। अच्छा, स्टाइलों में मुझे ये बात अच्छी लगी कि इनके पास हर तरह के कलर थे और ये बहुत ज़बरदस्त इनका सारा स्टफ़ था, तो आप लोग देख सकते हैं और आपको आइडिया भी हो चुका होगा। और यहाँ पर 20% की ऑफ़र भी लगी हुई थी, तो आप जो है वो इसमें भी जो है उसको अवेल कर सकते हैं। मुझे तो खैर जो है इनका सारा मटेरियल बहुत ही अच्छा लगा, इनके पास बहुत ज़बरदस्त जो है वो हर तरह की जो है वैरायटी थी, और क्लचेस भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त थे। ईद के बाद वैसे भी शादियों का सीज़न जो है उरूज पे पहुंच जाता है, तो वो यहाँ से जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो शॉपिंग कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से ब्राइडल के भी इनके पास काफ़ी जो है ह्यूज रेंज अवेलेबल है। तो बस यही शॉपिंग वगैरह भी हो गई, और मेरे ख्याल से जो है वो इतने रश में जो है वो शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, तो मेरी तो कोशिश हमेशा से यही होती है कि मैं जिस तरह ऐसी जगहों पे जाऊँ जहाँ ज़्यादा रश ना हो और बहुत सुकून से शॉपिंग कर लूँ, क्योंकि जो है वो वारदात भी आजकल जो है वो उरूज पे पहुँची हुई होती है, यानी आपके जो है वो पर्सेस का आपने ख्याल रखना पड़ता है कि कोई आपके जो पर्स से आपका वॉलेट निकाल ले, जो जेंट्स हजरात हैं उनकी जेब कट कर ले, और फिर जो बेचारी जो कार्स बाहर खड़ी होती हैं तो उनका भी ख्याल रखना पड़ता है कि वो भी कोई लेके ना उड़ जाए। तो ये बहुत एक माफिया है और बहुत बड़ा गैंग है जो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, वरना मेरे ख्याल से किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है। ये सारा जो है वो बस अल्लाह ताला बस रहम करे, और बस यही दुआ मांगे कि जो है वो अल्लाह ताला हम सब पे ही रहम करे। मैं तो यही जो है दुआ मांगती हूँ जो आजकल के हालात हैं। तो बस सारी शॉपिंग से फारिग होने के बाद जो एंड में आ गई थी मैकडॉनल्ड, और यहाँ पर जो है बस अपना ऑर्डर मैंने ले लिया था और वेट कर रही थी, और माशाल्लाह से इतनी क्विक सर्विस है कि एक मिनट में जो है मेरा ऑर्डर आ गया था। तो बस यहाँ पर जो है वो अपने फूड को कर रही हूँ एंजॉय, और बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है वो अपने खुश रखें और अपनी जो है वो सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, और जाहिर है जब दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे ना तो आपके साथ अच्छा ही होगा, मेरा तो यही मानना है। गैबत करने से और दूसरों के अंदर जो है कीड़े निकालने से करें परहेज़ और अपनी लाइफ को करें एंजॉय। और मेरा ये भी मानना है कि हर इंसान को अपने काम से काम रखना चाहिए, तो ये कामयाब ज़िंदगी की निशानी भी होती है, यानी आपने अपनी कामयाब अगर लाइफ गुजारनी है तो इस चीज़ को जो है वो अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। तो मेरी तरफ़ से और मेरी फैमिली की तरफ से आप सबको पेशगी ईद मुबारक, और अल्लाह ताला आप लोगों को लाखों और करोड़ों खुशियाँ दिखाए और हर गम से रखे दूर। जी हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।